नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। आज हम एक ऐसी खबर जिसने पूरे भारत में विवादों के घेरे में खड़ा कर दिया और पूरी भारत की राजनीति उसी के आसपास घूमने लगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के उस छात्र थप्पड़ कांड की, जिसको लेकर के एक तरफ ओवैसी, वहीं अखिलेश यादव देश के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के लगभग सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने कुछ ना कुछ बयानबाजी किया है। आखिर उसको लेकर के हमारी ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए केकेडी न्यूज के हमारे रिपोर्टर फरीद अहमद पहुंच चुके हैं। आइए हम बात कराते हैं फरीद अहमद से, वहां पर पहुंचे हैं और वो पीड़ित जो छात्र है उसकी माँ से बात करा रहे हैं। आइए सुनते हैं माँ क्या कह रही है। गांव खोबापुर में आज हम आए हैं, जहां पर स्कूल में बच्चे पे जो एक दूसरे बच्चे से चाटा मारने का मामला सामने आया था, वहीं आज हम उनके परिवारों से बात करेंगे क्या पूरा मामला था और कैसे मामला बना है। जी, जैसे कि आपके बच्चे पर एक दूसरे बच्चे से स्कूल के टीचर ने चाटा लगवाने का काम किया है, इसमें क्या पूरा मामला था इसमें? जी, मामला तो यही है कि बार बार से टीचरों ने मतलब बच्चे को छितवाया, बहुत गलत किया है उसने, उसे छितवाना नहीं चाहिए तब लगा, क्योंकि माँ बाप को तो और भी ज़्यादा बुरा लगेगा, बच्चे की बहुत बड़ी तोहीन हुई स्कूल में जाने की भी, इसलिए बात की है। कोई वैसा मुद्दा उठा रहे, कोई कुछ उठा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टीचर की सोच ऐसी कह रही कि मोमदन बच्चे, मोमदन बच्चे, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये पढ़ नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मास्टर भी मोमदन, डॉक्टर भी, बच्चों के दिल में मतलब ये आज तक बच्चे को यूँ नहीं पता 7 साल के को मोमदन है, बाकी मुसलमान का ही तो पता, और उसने यूँ कर दिया कि उसके दिल में यूँ गेर दिया कि हम मोमदन है, हमने तो आज तक नहीं गेरा उसके दिल में यूँ, हम मोमदन है। तो इसलिए टीचर ने जो करा गलत किया, उसे मतलब सजा मिलनी चाहिए, स्कूल बंद होना चाहिए। अगर ऐसी टीचर की सोच है तो उसे टीचर नहीं रहना चाहिए। जैसा इसमें बताया जा रहा था कि कुछ नेता लोग भी आए थे, यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला मामला सामने आ रहा था, इसमें क्या आपका कहना है, क्या चाहते हो? मतलब जो हिंदू मुस्लिम है वो सब एक है, अब एक ही आदमी की सोच अगर ऐसी है मोमदनों के लिए, मतलब टीचर ने बोला, आपने भी सुना कि मोमदन ओढ़ते, मतलब वो महिला ओढ़ते क्या आती या औरतें खली गए तो सब आ जाती, तो एक अगर टीचर की सोच ऐसी है कि मोमदन ही ऐसी होती हैं तो ये इसकी टीचर की सोच है, बाकी हिंदुओं की क्या गलती सुने, बहुत हिंदू भाई मुसलमान भी एक से हो, हिंदू भी, टीचर की सोच ये बहुत गलत है, क्योंकि मुसलमान डॉक्टर भी है, मास्टर भी है, नेता भी है, तो ये सवाल तो हर आदमी को मुसलमान को उठाना चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ लिख को ही बने, अगर रिश्वत दे को बने हो तो नहीं, तो पढ़ लिख को ही बने। अब अगर वो बच्चा जो 6 साल का 7 साल का, वो मैडम ने कैसे डिसाइड कर लिया वो पढ़ नहीं सकता, क्या बताओ पढ़ ही सकता है, तो ये सोच टीचर की इसमें कोई क्या कर सकता है, ये बहुत गलत सोच है टीचर की। अब जैसे आप उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो या कहीं और एडमिशन कराया, इसमें आपने अब जो TC भी कटवाई है और फीस भी वापस ली है, इसमें क्या कहना है? जी, जब उसने, हमने तो वहीं पढ़ाना चाह पाया तो चल मैडम अगर गलती मान लेती, उसने जब बोला के अपनी फीस ले जाओ तो बच्चा तो कहीं और पढ़ेगा ही। कि जैसा इसमें देखा जा रहा है कि वीडियो में जो एक जहां पर बच्चा पढ़ रहा है, जहां बच्चे से चांटा लगवाया जा रहा है, वहां का जो वीडियो है वो किसी और जगह का है और स्कूल किसी और जगह पर है, ये क्या मामला है? जी, उसने स्कूल तो पढ़ा रही है वो अपने घर ऊपर में, हम भी गए हुए जब हमारा बच्चा पढ़ रहा तो हम फीस जमा करने भी जाते, बच्चे के मतलब छोड़ने भी जाते इसको, मतलब वो अन्य अपने घर में ऊपर टीन ले रखा, वो ऊपर पढ़ा रही बच्चे को, और स्कूल वो बनवा रही, वो जो उनने अब दिखाया फिलहाल वो स्कूल नहीं है। क्या बच्चे उस स्कूल में कभी पढ़ते नहीं थे? नहीं, अभी नहीं पढ़ने बिठाए उस स्कूल में, अभी तो उसमें काम ही चल रहा है, जो लड़का था ये उसी में मैट्रिकरण गया था, वो तो घर ही ऊपर ही पढ़ाती है बच्चों को, वो अपने मकान पे ही छत के ऊपर पढ़ाती थी। अच्छा 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 अच्छा, मकान में अपने छत के ऊपर ही पढ़ाती थी। कितने वर्षों से आपका बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा था? जी, वो स्कूल ही 3 साल से खुला, 3 साल से मेरा बच्चा 2 साल से पढ़ रहा था उसमें। जैसे बताया जा रहा है कि वो टीचर जो है विकलांग भी है पैरों से, और फिर भी जी किसी, हाँ हर किसी भी कान है टीचर, मतलब ऐसा नहीं है गोड्डे पर हाथ भर गुन चलती है, ऐसा नहीं है वो चल फिर नहीं सकती, चल फिर सको है, हल्की सी है, वैसे विकलांग है।
आपने जैसे पहले जो इसमें मामला बना था उसमें आपने थाने में तहरीर देने को मना कर दिया था और फिर बाद में मुकदमा दर्ज कराया, ये क्या मामला है? ये जब गरीब आदमी की मुसलमानी कहीं सुनवाई नहीं होती तो और क्या करा बतलाओ। फिर तो ये मामला अपना पता, क्योंकि पैसा तो जो जिस पर पैसा उसी की अब चलती फिरती। इसमें बताया जा रहा है, जहाँ देखा जा रहा है कि आपने जो है कुछ नेता लोग जैसे यहाँ पर आए हैं राजनीति के मामले में आकर जो तहरीर वहरीर दी है, कि ऐसा क्या मामला है? जी पहले तो हमने टीचर से ही बात करी, मतलब गांव का मामला अपना सुलझ जाएगा। तो टीचर ने ऐसी कुछ वो ना मतलब अगर टीचर ने कहा देते भाई मुझसे गलती हो गई और बच्चे को यहीं पढ़ाओ तो हम कोई बात नहीं थी, पर टीचर ने गलती अपनी माननी नहीं, ना ही हमारे बच्चे को यूँ कहा कि यहीं इसी स्कूल में। उसमें बताया जा रहा है कि टीचर ने माफ़ी भी मांगी है? जी नहीं, उसने एफ आई आर दर्ज करने के बाद माफ़ी मांगी है, पहले कोई माफ़ी नहीं मांगी उसने। तो अभी आप क्या चाहते हो, जगह स्कूल चलना क्या? नहीं, स्कूल ऐसा तो चलना नहीं चाहिए, ना ऐसी टीचर होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आज हमारे बच्चों के लारो कल हिंदू के भी बच्चे के लारो हो सको, कल और किसी के भी, मतलब अगर उन हिंदू के बच्चे को मुसलमान के बच्चे से छितवा दिया तो आपसदारी भी ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी नहीं जी, देखिए हमारे साथ बच्चे की माता जी जुड़ी हुई थी और इन्होंने सारा ही प्रकरण बताया कि क्या पूरा मामला था। मेरे साथ शादी कन्वर, कैमरामैन के साथ फरीद अहमद, मुजफ्फरनगर।